हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एसम एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइम टेबल ऑफ टी वाई बी कॉम सेमिस्टर सिक्स ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी एंड टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे ओवरऑल आपकी स्ट्रेटजी अभी क्या होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे और किस तरीके से प्रिपरेशंस एक ओवरऑल कम टाइम में कैसे आप प्रिपरेशंस कर सकते हो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं तो लास्ट तक बने रहे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाए तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द डेट्स आपके डेट्स जो है वो आ चुके हैं ट्वेंटी मार्च से आपका एग्जाम होगा तो टी वाई सेमेस्टर सिक्स जो है वो आपका ट्वेंटी मार्च से होगा और आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा लास्ट ईयर भी भी ऐसा ही टाइम टेबल था और उसके बाद जो आपका सेमेस्टर फाइव का जो एटी गेटी है वो आपके अप्रैल के एक ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल के रेंज में स्टार्ट हो सकता है उसका भी टाइम टेबल जैसे आएगा मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा तो ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल को टाइमिंग है टेन थर्टी ए एम से वन थर्टी पी एम एंड आपका जो फर्स्ट पेपर होने वाला है दैट विल बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ट्वेंटी सेकेंड मार्च को आपका फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा और जो लोगों ने मैनेजमेंट वगैरह लिया है उनका फिर वो मैनेजमेंट के ग्रुप्स के पेपर आपके होंगे बट जिनका भी अकाउंट्स ग्रुप है फर्स्ट पेपर आपका होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उसके बाद आपका ट्वेंटी सेकेंड मार्च के बाद डायरेक्टली आपका पेपर होने वाला है ट्वेंटी सिक्स मार्च को मतलब बीच में आपको छुट्टी मिलेगी पढ़ने के लिए एंड द सेकेंड पेपर विल बी कॉस्ट अकाउंटिंग सेकेंड पेपर आपका होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का ट्वेंटी सिक्सथ मार्च को सेकेंड पेपर ट्वेंटी सिक्स मार्च को आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होगा और जो लोगों के बाकी के ग्रुप से वो बाकी के पेपर्स आपके होंगे ट्वेंटी सिक्सथ मार्च के बाद ट्वेंटी सेवन्थ मार्च को आपका तुरंत पेपर होगा इकोनॉमिक्स का मतलब अगर हम देखें तो कॉस्टिंग के बाद इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए कोई भी आपको छुट्टी नहीं है तो बीच में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में जितना गैप है वो गैप आप इकोनॉमिक्स को पढ़ाई करने के लिए यूज कर सकते हैं उसके बाद आपका ट्वेंटी एट ऑफ मार्च थर्सडे को कॉमर्स का पेपर होगा विच इज कॉल्ड एस दी एच आर एम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉमर्स सिक्स का पेपर होने वाला है उसके बाद फर्स्ट ऑफ अप्रैल को मंडे को आपका टैक्स का पेपर होगा मतलब ट्वेंटी एट मार्च थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे एंड संडे तीन दिन आपको यहाँ पे मिलेंगे फॉर टैक्स का पेपर टैक्स का पेपर आपको यहाँ पे तीन दिन का लीव मिल रहा है एंड वनडे को फर्स्ट अप्रैल को आपका टैक्स का पेपर होगा उसके बाद अगर आप कोई दूसरे कॉलेज से हो जैसे कि जहाँ पर आपने टैक्सेशन सब्जेक्ट्स नहीं लिए हैं या बाकी के सब्जेक्ट नहीं लिए हैं तो वो बहुत सारे बच्चे अप्लाइड कंपोनेंट में एक्सपोर्ट मार्केटिंग भी लेते हैं तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग सेकेंड ऑफ अप्रैल को होगा एंड सिमिलरली वी हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल हियर तो यू कैन चेक अकॉर्डिंग टू यूर पेपर उसके बाद उसके बाद आपका थर्ड अप्रैल को पेपर होगा थर्ड अप्रैल को आपका पेपर होगा कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस दैट विल बी योर थर्ड अप्रैल जो आपका पेपर होगा उसके बाद काफ़ी सारे बाद में भी पेपर्स हैं फोर्थ अप्रैल को फिफ्थ अप्रैल को एट्थ अप्रैल को और दस और ग्यारह अप्रैल को ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने अप्लाइड कंपोनेंट्स में बाकी के सब्जेक्ट्स लिए हैं वरना अगर आप नॉर्मल आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स मार्केटिंग टैक्सेशन और कंप्यूटर यह अगर आप आपके सब्जेक्ट्स है तो थर्ड अप्रैल को आपका एग्जाम जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं थर्ड अप्रैल विल बी योर लास्ट पेपर कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन विल बी योर लास्ट पेपर तो दिस इज द पेपर पैटर्न सो ओवरऑल टाइम टेबल दिस इज द टाइम टेबल एंड अकॉर्डिंगली हाउ टू स्टडी नाउ इतने कम टाइम में अगर हम देखें तो दिस इज फेब्रुअरी एंड नाउ तो मार्च के एक बीस दिन में किस तरीके से प्रिपरेशंस करें क्या क्या चीज़ों को पढ़े क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करें वैसे तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनाया है प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं सारे चैप्टर्स को प्रॉपर वे पे आपको यहाँ पे वीडियोस मिलने वाले हैं एंड accordingly और भी मैं कुछ नए कंटेंट को अपलोड करूँगा एग्जामिनेशन के पेपर्स भी ऑलरेडी सॉल्व है एंड उसके साथ बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ों आपको इस चैनल पे मिलते रहेगी तो सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूले बिकॉज जितना आप लाइक करेंगे यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत सारे लोगों तक ये शेयर करेगा एंड सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल पाएगा और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ प्ले uh, स्टोर में लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें प्ले स्टोर में अवेलेबल है लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से भी काफ़ी सारे हेल्प आपको हो सकती है प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपको वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है वो डाउनलोड कर ले वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा और वीडियोज़ आपको रेगुलर बेस पर अभी मिलते रहेंगे सो so दैट आप ओवरऑल जो थियोरी सब्जेक्ट्स है उसके साथ जो अकाउंट्स में शॉर्ट नोट्स आते हैं काफ़ी सारे वीडियोस आपको रेगुलर बेस पे मिलेंगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली बेसिस पे आ जाएगा आई होप दिस टाइम टेबल इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको टाइमली बेसिस पे मिले थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर